भारत में पहली बार इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से बना इंस्टेंट इलेक्ट्रिक हीटिंग टैब। अब आपको गर्म पानी मिलेगा सिर्फ 10 सेकंड्स में। अब गैस स्टोव पर पानी गर्म होने के इंतजार को कीजिए बाय बाय। अब आपको नहाने का पानी गर्म करते हुए बिजली का झटका नहीं लगेगा। इस टैब को आप बाथरूम की दीवार और किचन के बेसिन में फिक्स कर सकते हैं। ये इंस्टेंट हीटिंग टैब बना है ABS प्लास्टिक मटेरियल से, जो आपको देता है 60 डिग्री टेम्परेचर तक का गर्म पानी। खास तौर से सर्दियों में महिलाओं को किचन में सुबह सुबह हिम्मत ना होने पर भी ठंडे पानी से काम करना पड़ता है। उस पर अगर गैस पर पानी गर्म करें तो वक्त और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। ऐसे में इंस्टेंट हीटिंग टैब एक वरदान से कम नहीं होगा। किचन की सिंक और जिद्दी तेल से भरे बर्तनों की सफाई, सब्जियों और फलों को धोने से लेकर पुरुषों के लिए शेविंग जैसी आपकी कई छोटी मोटी जरूरतें गर्म पानी के बिना पूरी नहीं होती। पर अब इंस्टेंट हीटिंग टैब करेगा ये सारी जरूरतें पूरी पलक झपकाते ही। आमतौर पर पानी गर्म करने के लिए इमर्जन रॉड, गैस स्टोव या गीजर का इस्तेमाल होता है, जिनमें पानी गर्म करने के लिए 15 से 20 मिनट तक का इंतजार करना होता है। बिजली का भारी बिल आता है और गैस खर्च होती है। इस तरह से इनसे वक्त और पैसा दोनों की ही बर्बादी होती है, वो भी इससे जुड़े रिस्क के साथ। लेकिन हमारा इंस्टेंट हीटिंग टैब 10 सेकंड में आपको देता है गर्म पानी, वो भी कम बिजली की खपत के साथ। यानी ये बचाएगा आपका वक्त और पैसा दोनों ही, बगैर शॉक लगने या हाथ जलने के रिस्क से। तो फिर देर कैसी, अभी कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक करें। संपर्क राहुल आबा देवरी हंजे, समर्थ इंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 15, सावता मार्केट, फुले कॉलनी समोर, धुळे। मोबाइल क्रमांक 94216 17820, 75887 35720। सिटी चॅनल बातमीपत्रात पुन्हा आपले स्वागत। पुण्यातील भीमा कोरेगाव येथील क्रांती दिनाच्या निमित्ताने साक्री रोडवरील भीम नगरातील भीमा कोरेगाव विजय स्तंभाच्या प्रकृतीस समाज बांधवांनी मानवंदना देऊन दर्शन घेतले। पुण्यातील भीमा कोरेगाव येथे क्रांती दिन साजरा करण्यासाठी भीम सैनिक जातात। यावेळी विजय स्तंभास अभिवादन करण्यात येते, परंतु काही गोरगरिबांना भीमा कोरेगाव येथे जाणे शक्य होत नाही, त्यासाठी धुळ्यातील साक्री रोडवरील भीम नगरात भीमा कोरेगाव येथील विजय स्तंभाची हुबेहूब प्रतिकृती साकारण्यात आली आहे। यामुळे भीमसैनिकांना धुळ्यातच विजय स्तंभाचे दर्शन घेणे सहज शक्य होणार आहे। या पार्श्वभूमीवर धुळेकरांनी मंगळवार रात्रीपासूनच विजय स्तंभाचे दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केली होती। यावेळी उपस्थित भीमराव गोरसे, आत्माराम वाघ, रोहिदास बैसणे, मधुकर आहिरे आदी भीमसैनिकांनी मानवंदना दिली। महाराजमधून रिटायर होऊन आज आम्ही महाराजमचे जेवढे माझे सैनिक आहेत ते 1 जानेवारी 1818 या 500 महारांच्या भीमा कोरेगाव युद्धात विजय प्राप्त निमित्ताने आज या भीमा कोरेगाव स्तंभाला नतमस्तक होण्यासाठी आलेलो आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा हयात होते ते पण भीमा कोरेगाव येथे जाऊन माजी सैनिकांबरोबर या भीमा कोरेगाव स्तंभाला नतमस्तक होत असे। 500 महारांनी 1 जानेवारी 1818 रोजी पेशव्यांविरुद्ध युद्ध लढून पेशव्यांचे पराभव करून आपल्या स्वाभिमानासाठी ते युद्ध केले होते। त्या युद्धाच्या निमित्ताने भीमनगर धुळे येथे आपले नगरसेवक जितूभाऊ सिरसाट यांनी हा भीमा कोरेगाव विजय स्तंभ उभा केलेला आहे, आणि त्याच निमित्ताने आम्ही आज 1 जानेवारीला या भीमा कोरेगाव स्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी व नतमस्तक होण्यासाठी या सर्व महाराजमेंटचे माझे सैनिक उपस्थित आहोत। नगरदेवळा येथे जामा मशीद समोरील मैदानात रविवारी NRC व CAA कायद्याच्या विरोधात सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। नगरदेवळा येथे जामा मशीद समोरील मैदानात रविवारी सायंकाळी 7 वाजता NRC व CAA या कायद्याच्या विरोधात सभा घेण्यात आली। या सभेत पाचोरा येथील अझर खान, अनिल शिंदे यांनी या कायद्यामुळे नागरिकांवर कसा अन्याय होत आहे व कायदा कसा घटनेच्या विरोधात आहे या संदर्भात विवेचन केले। यावेळी मंचावर अ गणेश शेठ, किरण पवार, मुन्ना सिंग परदेशी, अण्णू शेख, सादिक बागवान, हबीब खान, झाडुबे भैया गढे, नूर मेंबर योगेश महाजन, जुबेद खान, वसीम खान, मुस्ताफ खान, कलीम भागवान, खलील बेग आदी मान्यवर उपस्थित होते। कार्यक्रमासाठी गावातील सर्व धर्माचे नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।
इसका विरोध होना चाहिए। हम सीएए का विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि ये देश के संविधान का उल्लंघन करता है। हम कहते हैं कि हम सबको बराबर, आप अच्छा इस देश में सबसे ज्यादा शरणार्थी कौन है बताए आपको? इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शरणार्थी है तो तिब्बत के लोग, बुद्ध लोग तिब्बत। क्यों आपने उनको उस देश को शामिल नहीं किया तिब्बत को? तिब्बत के लाखों लोग हिंदुस्तान में, भारत में कई वर्षों से अपने यहाँ जलगांव पाचोरा में तो वो लोग स्वेटर बेचने के लिए नहीं आते, लेकिन जलगांव में अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के कुत्ते के करीब में जाएंगे तो तिब्बत वालों का जो है स्वेटर और शॉल बेचने के जो है वो लगते, वो सारे शरणार्थी है। उनका क्या? आपने बुद्ध तो बोल दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्ध तो तिब्बत से आए हुए हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है। वहां के बड़े धार्मिक गुरु दलाई लामा भी भारत में है, चीन उन पर अत्याचार कर रहा है, तमिल के जो हमारे हिंदू भाई है उनका क्या? श्रीलंका में उन पर तमिलियन होने के नाते अत्याचार हो रहा है, उनका क्या होगा? अत्याचार तो सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में नहीं हो रहा ना अल्पसंख्यकों पर, वहां के अल्पसंख्यकों पर, श्रीलंका में भी हो रहा है तमिल हिंदू भाइयों पर, तो उनको उनको आप कैसे नागरिकता देंगे? अच्छा मुझे एक चीज आपको समझानी है और वो बात मैं खत्म कर दूंगा, वहां पर आकर के समझ लीजिए कि एनआरसी में अजहर खान का भी नाम नहीं आया और सुनील शिंदे का भी नाम नहीं आया, तो मेरे लिए तो दो ही रास्ते हैं, एक तो बाहर चला जाऊं जो मैं जाने से रहा इसीलिए कब्रिस्तान चला जाऊंगा, या तो फिर डिटेंशन सेंटर, दो ही चीजें। लेकिन सुनील शिंदे के पास सबसे बड़ा चैलेंज है, सुनील शिंदे का नाम अगर एनआरसी में नहीं आता है तो सुनील शिंदे को यह सिद्ध करना है कि वो या तो उनके पूर्वज बांग्लादेश से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, या पाकिस्तान से आए थे। अब जो बेचारा आदमी भारत में ही पैदा हुआ, अब उसके लिए सबसे बड़ा काम ये हो गया कि वो ये सिद्ध कराए कि उसके पूर्वज पाकिस्तान से, तब कहां से लाएंगे? मतलब डबल चैलेंज आपको है, एनआरसी में नागरिकता पाने के लिए मेरे से ज्यादा चैलेंज आपको है। छोटी पुणे एक नजर ठड़क घड़ा होली में दारूबंदी महिला युवा मोर्चातर्फे दारू गुटख्याची होळी, कॉलेजच्या युवकांना गुटखा न खाण्याची देण्यात आली शपथ। महुते येवला गावापर्यंत काढण्यात आले व्यसन मुक्ती जागर अभियान। जय हिंद ज्युनियर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी पांढरा चौपाटीवर राबवली स्वच्छता मोहीम। धुळ्यातील विजय स्तंभास भीमसैनिकांनी दिली मानवंदना। आणि नगरदेवळा येथे एनआरसी कायद्याच्या विरोधात घेण्यात आली जाहीर सभा। याचबरोबर सिटी चॅनल बातमीपत्र संपले, पुन्हा भेटूया पुढील प्रसारणात, तोपर्यंत नमस्कार।